गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर समर वेकेशन। आज से हम लोग फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग को समर वेकेशन में मैंने दे दिया था, ये हाफ ईयरली का सिलेबस दे दिया था, एंड आई थिंक दैट यू हैव कम्प्लीटेड। आइए आज एक नया चैप्टर फिर से शुरू करता हूँ, मुझको आवाज़ लगाना। और ये पोएम है, कविता है। इस कविता में कवि ने माँ यानी अपनी जननी के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य भावना का विकास करने के लिए प्रेरित किया है। और माँ के ममत्व यानी ममता का काफ़ी महत्व है बच्चों के लिए। बच्चे माँ की ममता के स्नेह सुख में सब कुछ भूल जाते हैं, यानी सारा दुख भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि यानी भारत माँ, हमारी मातृभूमि भारत माँ के प्रति भी प्रेम की भावना को विकास करना और देशभक्ति की भावना को विकास करने के लिए ये कविता हमें प्रेरित करता है। आइए देखते हैं कविता को। नभ के चांद सितारे ला दूँ, माँ कह दे तो तेरे चरणों पर पर्वत का भी शीश झुका दूँ, बस मुझको आवाज़ लगाना। इस कविता के माध्यम से कवि एक बच्चे के माध्यम से ये कह रहा है कि माँ, अगर तू कहे तो नभ यानी आसमान के चांद सितारे ला दूँ और तेरे चरणों पर, तेरे कदमों पर ला के डाल दूँ, पर्वत का भी शीश झुका दूँ, सिर्फ एक आवाज़ लगाना। यानी जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े, मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तेरे दरवाजे का माँ मैं शक्तिमान प्रहरी हूँ। कह रहा है कि हम लोग अपने देश के की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रहरी की तरह, शक्तिमान प्रहरी की तरह हमेशा तत्पर हूँ। जब भी देश की देश में कोई भी खतरा आता है तो हमारे सैनिक या हमारे देशवासी इसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तेरे घर के कण कण की मैं सुंदरता का गहरी हूँ। और हमारे देश में बच्चे यहाँ के एक तरह से फूल उपवन बाग की तरह सुंदरता है। और हम सब भारतवासी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। तेरी पावन छवि पर यूँ मैं एक डिठौना हूँ। डिठौना कहते हैं काजल का टीका। तेरी पावन छवि पर, तेरी पवित्र छवि मूर्ति पर मैं एक तरह से काजल का टीका हूँ। जैसे पूरे भारत को इन्होंने, कवि ने एक पावन छवि के रूप में माना है और अपने आप को एक काजल के टीके के समान यहाँ पर बोध किया है। तेरी गोद का माता मैं एक खिलौना हूँ। और कवि कह रहा है कि माँ, मैं तेरी गोद का एक खिलौना हूँ। मेरे रहते प्यारी माँ तू कभी नहीं घबराना। इस कविता के माध्यम से, इस बच्चे के माध्यम से कवि कह रहा है कि माँ, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कह रहा है कि कभी घबराना नहीं, हम सब अपने देश की आन बान शान के लिए, मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संकट कोई आए तब मुझको आवाज़ लगाना। और कभी भी कोई संकट आवे तो मुझे आवाज़ देना, मैं तैयार हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि देश में जब भी कोई संकट आवे, देश में जब भी कोई मुसीबत आवे, तो हम सब भारतवासी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं और देश को साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मुझको आवाज़ लगाना कविता के माध्यम से कवि ये मातृभूमि के प्रति अपना स्नेह और अपना कर्तव्य और देशभक्ति की भावना का को दर्शाया है। अब आइए, यहाँ पर कुछ प्रश्न है। इस पाठ में मैं कौन हूँ? इस पाठ में मैं एक तरह से देखा जाए तो कवि है, या हर भारतवासी है, या हर बच्चा है। बालक कैसा प्रहरी है? तो बालक यहाँ देखिए, शक्तिमान प्रहरी, बालक शक्तिमान प्रहरी है। बालक किसकी गोद का खिलौना है? बालक किसकी गोद का खिलौना है? तेरी गोद का माता मैं एक खिलौना हूँ, माँ की गोद का खिलौना है। बालक संकट के समय माँ को क्या करने के लिए कहता है? बालक कह रहा है, देखिए, मेरे रहते प्यारी माँ तू कभी नहीं घबराना, संकट कोई आए तब मुझको आवाज़ लगाना। बालक संकट के समय माँ को
आवाज लगाने के लिए कह रहा है, यानी कह रहा है कि मैं हमेशा तत्पर हूँ। आइए इसके अभ्यास को देखता हूँ। इधर शब्द और उनके अर्थ हैं, वर्ड मीनिंग है, इसको सभी लोग याद कर लेंगे। नव आकाश स्काई, स्वीच सीर हेड, प्रहरी पहरेदार यानी वॉचमैन, छवि मूर्ति इमेज, संकट मुसीबत ट्रॉबल, चरण पैर पांव फुट, शक्तिमान शक्ति से भरा हुआ फुल ऑफ पावर, पावन पवित्र प्योर, डिठौना काजल का टीका, ब्लैक मार्क प्यारी प्रिय डियर, ये पर्यायवाची शब्द है, इसको आप लोग पढ़ लोगे। यहाँ पाठ से प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख के, और ये कविता का भावार्थ स्पष्ट करो मेरे रहते प्यारी माँ। इधर से जो जो बनेगा उसको बना लेना है, फिर बाद के वाले वीडियो में जो भी आंसर क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका आंसर दिया जाएगा। ये सब आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास।